जैसा कि मेरे सामने है, एक व्यक्ति ने यह जो है अपने खेत की जो ये खतौनी जो है ये साइबर कैफे वाले से निकलवाई है। जैसा कि इस प्रकार से ये ब्लू में हो सकता है, ठीक है, तो ये जो है अप्रमाणित है, अधिकारी इसे मान्य नहीं करते, बता देंगे क्यों नहीं मान्य करेंगे और इसमें जानकारियां भी कम आती हैं, ठीक है। तो इस पर स्पष्ट रूप से लिखा होता है खाता विवरणी अप्रमाणित प्रति। देखिए आप इंटरनेट से देखेंगे जब आपने खेत की खतौनी तो अप्रमाणित प्रति ही दिखती है, और जब आप निकलवा लेते हैं किसी साइबर कैफे से तो भी वह अप्रमाणित प्रति होती है। प्रमाणित जो प्रति है, प्रमाणित खतौनी जो होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उद्धृत खतौनी, ठीक है, ये जो है ज़्यादा बड़ी खतौनी थी इसलिए दो पेज पे आ गई। तो आप नीचे देख सकते हैं, दोनों खतौनी आप देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं, तो दोनों खतौनियों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे डिफरेंस आपको लगेगा। देखिए ये जो है ये आप नेट से डाउनलोड करते हैं जो आप किसी साइबर कैफे वाले से, उसके पीछे सिर्फ ये तीन लाइनें हैं और यहाँ पर लिखा है कृपया खसरे की भूखंड घाटे के वादग्रस्त, ये तीन लाइनें लिखी हैं। लेकिन जब आप ओरिजिनल फर्द देखेंगे, ओरिजिनल फर्द जो है ये बड़ी है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ओरिजिनल फर्द में भाई क्या है, यहाँ पे सक्षम अधिकारी जिसने आपको फर्द दी है उसका नाम आ रहा है सुरेंद्र सिंह, तहसील, तहसील उसमें भी आती है, लेकिन देखिए उसमें जो है नीचे कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे साइन इन किसकी आईडी से किया गया था, ठीक है, और दिनांक, तहसील यहाँ पे नीचे आती है, और सबसे बड़ी सक्षम अधिकारी का यहाँ पे नाम आता है और उसके हस्ताक्षर होते हैं और यहाँ पे मोहर लगती है, जो कि जो आप साइबर कैफ़े से कहीं भी साइबर कैफ़े से निकलवा लेते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ना यहाँ पे किसी अधिकारी का नाम डला है, ना कुछ है। तो ये प्रति इसीलिए जो है तहसील में ना कोर्ट में मान्य होती है, ना तहसील के अधिकारी इसे मान्य करते हैं, बल्कि आप जानकारी के लिए देख सकते हैं, इसमें जानकारी आपको सही प्राप्त हो जाती है, ठीक है। दूसरी इसमें फर्जी और नकली में भाई ये अंतर होता है कि जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो मैंने तहसील द्वारा प्राप्त की है फर्द खतौनी, यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे भूमिक अधिकार प्रारंभ होने का वर्ष दिया गया है, ठीक है, 1378 फसली से इन लोगों को भूमिक अधिकार वर्ष प्राप्त हुए इस भूमि पर, ठीक है। जबकि आप इसमें अप्रमाणित प्रति में देखेंगे, इस पर स्पष्ट लिखा है अप्रमाणित प्रति में, यहां पर कहीं भी आपको भौमिक अधिकार प्रारंभ होने के वर्ष नहीं दिए गए। यहां पे देखिए आपको खसरा संख्या, क्षेत्रफल, आदेश, ठीक है, लेकिन यहां पे खसरा संख्या, घाटे का संख्या दी है, इनका क्षेत्रफल दिया है और मालगुजारी भी जो है वो दी गई, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है दो तीन चीजें जो होती हैं डिफरेंस होती हैं, एक तो ओरिजिनल फर्द जो होती है यह है, इसमें यहाँ पे लिखता लिखा होता है उद्धृत खतौनी, यह आपके तहसीलदार भी मान्य करेंगे, एसडीएम भी मान्य करेंगे, और जो भी तहसील के कर्मचारी हैं वो सभी ये प्रमाणित प्रति ही मान्य करेंगे जिस पे लिखा हो तो है उद्धृत खतौनी, ठीक है। और आपके डॉक्यूमेंट्स में भी जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो उनमें यही मान्य होती है, और ये जो आपसे नेट से निकलवा लेते हैं यहाँ पर लिखा है खाता विवरणी अप्रमाणित प्रति, ठीक है, किसी साइबर कैफे वाले से ये मान्य नहीं होती है, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, ठीक है। दूसरी बात कि भाई इसमें आपको भौमिक अधिकार खुले हुए मिल जाते हैं, इसमें ये पता लग जाता है कि भौमिक अधिकार जो है किस वर्ष से प्रदान हुए, ठीक है, इसमें भौमिक अधिकार वर्ष जो है पता नहीं लगते। दूसरी बात ये है कि इसमें लगान खुला हुआ नहीं होता है, बल्कि जब आप यहाँ पर देखेंगे ये खतौनी, जब आप इस प्रकार से थोड़ा बड़ी खतौनी है क्योंकि आदेश आ नहीं रहे थे एक पे, तो यहाँ पर जो है खातेदारक द्वारा दे मालगुजारी या लगान भी यहाँ पे खुला होता है, लगान जो है 31 रुपया 85 पैसा है, ठीक है। जब आप नकली वाली पे देखेंगे तो इस पे लगान नहीं खुला हुआ है, इस पे सिर्फ और सिर्फ आपके घाटा संख्या बताए गए हैं 4 और इस पे आपको कुल क्षेत्रफल बताया है। लेकिन दोस्तों इसमें जो है घाटा संख्या भी बताया गया है, इस घाटा संख्या देखिए 1, ठीक है, कुल क्षेत्रफल भी बताया गया है और यहाँ पर आपकी लगान भी खुली है, और जिसने आपको, जिस अधिकारी की आईडी से प्रोवाइड की गई आपको, उसका नाम भी डला है, उसके साइन भी हैं और यहाँ पे तहसील की मोहर भी लगी है और भौमिक अधिकार वर्ष भी खुले हैं। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि जो अप्रमाणित प्रति जो होती है और अप्रमाणित खतौनी और प्रमाणित खतौनी में कितना बड़ा अंतर है। तो कई लोग क्या करते हैं 20-30 रुपये दे के बाहर से निकलवा लेते हैं जो कि बिल्कुल इनवैलिड होती है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।